भाई ये दिख रहे हैं आपको, ये जो निशान दिख रहा है और इधर निशान दिख रहा होगा एक बड़ा सा, ये पेट्रोल अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही फिलअप कराया, इसको टैंक फुल करा के साले यहाँ पे ला के शॉप पे साइड स्टैंड पे खड़ी की, और पेट्रोल इतना ज़्यादा लीकेज हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी तो मैंने साइड स्टैंड से हटा के डोल स्टैंड पर लगा दिया है मैन स्टैंड। देखो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह इसका फ्यूल निकल रहा है। भाई यहाँ पे भी दिख रहा होगा निशान, अब तो ऐसे इतना फ्यूल निकल ही नहीं रहा अब तो, मगर ये जो निशान दिख रहा होगा और ये निशान भाई ऐसा ब्रिक जैसा ब्रिक पाइप चलता है ना पेट्रोल का, ऐसे बह रहा था पेट्रोल। मेरे को किसी ने, मेरे कस्टमर ने बताया, मैंने शॉप के आगे खड़ी कर रखी थी अपनी भाई। फिर मैंने कंप्लेंट की कि मैंने लास्ट सर्विस करवाई थी, अब मे भी शायद सर्विस के बाद ही ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि सर्विस से पहले तो ये दिक्कत थी नहीं इसमें, और उसके बाद दो बार आ चुकी है ये प्रॉब्लम फ्यूल टैंक की। भाई अभी अभी दिख रहा था मेरे को, ये दिख रहा होगा बहता हुआ आपको पेट्रोल, भाई कैसे बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्लो भाई, बहुत ही ज़्यादा बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा। इसको डबल स्टैंड पर लगाना पड़ेगा यार। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। सो गाइस अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंपनी से बात की थी, और कंपनी वाले बोले कि भैया आप लेकर के आ जाना बाइक को, मैं देख लूँगा जो भी कंप्लेंट होगी मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा। पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम निकलेगी क्या नहीं, मगर यार अभी नहीं तो अभी तो अपनी लॉन्ग राइड स्टार्ट ही होने वाली थी साला, अभी से ही बाइक इतनी प्रॉब्लम करेगी तो क्या क्या कैसे चलेगा। बाकी जाऊँगा टाइम से निकाल के सर्विस सेंटर, देखता हूँ क्या इसमें प्रॉब्लम है और सॉल्व होने में टाइम लगेगा, या मे बी शायद इसका फ्यूल पंप ना ख़राब हो गया हो, शायद आई होप ऐसा ना हो गया हो, या तो इसका पेट्रोल का पाइप वगैरह लीकेज हो गया हो, अब पता नहीं क्या लीकेज है कि क्या नहीं, बाकी तो जाके पता चलेगा। सो निकलते हैं गाइस, देखते हैं सर्विस सेंटर जाए क्या है इसमें समस्या। सो भाई देख रहे हो ये है NH 58, और मैंने रूट पकड़ लिया आज ये जो कि मिला देगा सीधा मेरठ वाले रूट से। वैसे ये रूट अक्सर वे लोग पकड़ते हैं जिनको पुलिस वगैरह से चलान कटने के लिए बचना होता है, मगर ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ चलान से बचने के लिए रूट है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट भी पड़ जाता है। और निकल पड़े हैं गाइस हम अपनी बाइक के शोरूम के लिए, क्योंकि यार जब लास्ट टाइम सर्विस कराई थी उसके बाद से इसमें ना फ्यूल टैंक दो बार लीकेज हो चुका है, दो बार, एक बार आज और एक बार पहले भी हो चुका है। पता नहीं क्या समस्या है, दिखाएंगे आज शोरूम पे। और टाइम हो लिया है दोपहर के 2:21। भाई रोड क्या मस्त बना दिया यार, तो 80 की स्पीड अच्छी चल रही है। भाई हैंडलिंग करने में कई मस्त चलती है यार, यो ओपी हैंडलिंग हो रही है ब्रो। देख रहे हो अंकल जी, भाई बीच रोड खड़े हैं। सो भाई ये जो रूट देख रहे हो ना, अपने राइट में तो चला जाता है दिल्ली के लिए, और लेफ्ट में चला जाता है अंदर मेरठ सिटी के लिए। और इसी के साथ हम आ गए हैं भाई रॉयल इनफील्ड के शोरूम, वो दिख रहा होगा आपको राइट में। और टाइम हो लिया है 2:27, मात्र 5 मिनट में हमने कितना कवर कर लिया भाई। NH 58 ये दिल्ली हाईवे पे देखो कितनी जल्दी आ गए, यदि यही रास्ता मैं सिटी करता ना तो अराउंड मेरे को टाइम लग जाता कम से कम 30 से 40 मिनट तो कन्फर्म था, क्योंकि ट्रैफिक मिलता है एक तो, और ऊपर से साला एक चेकिंग की इतनी समस्या है मेरठ सिटी के अंदर, बहुत ही ज़्यादा। और ये आ गए हम शोरूम के अंदर, एंट्री ले लिया है। ओके ओके
भाई फिलहाल तो नहीं टपक रहा, अभी चेक कराऊंगा जबकि दिखाता हूँ। अंकल इसमें दिक्कत है, सर्विस कराई थी कुछ दिन पहले अभी। तो भाई मैंने इनको समस्या बता दी है, वीडियोस में दिखा दिया है और बाइक में थोड़ा सा काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। बाकी जो भी समस्या होगी देखता हूँ क्या क्या समस्या निकलेगी इसमें भी। तो भाई समस्या वैसे इतनी बड़ी तो नहीं थी, मगर यार अपन जाने वाले हैं राइड पे, तो मैं नहीं चाहता था कि राइड के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैंने ना शोरूम पे जाके चेक कराया, लोकल में अभी चेक कराता तो, क्योंकि लोकल में अभी हिमालयन 452 के एक्सपर्ट नहीं है। एक्सपर्ट क्या, कोई भी नहीं जानता कि कैसा कोई इसका टैंक फ्यूल टैंक खुलेगा, इसका एयर फिल्टर वगैरह कहाँ है, कोई भी नहीं जानता होगा। मे बी शायद 100 में से 5% बंदा जानता हो, और 5% बंदा पता नहीं कहाँ मिलेगा। और आज तारीख होली है 5, कल 6, परसों 7, 7 तारीख से हम अपनी बाइक पे भाई फुल लोड करा देंगे, फुल एकदम फुल लोड। और लोड होने के बाद फिर देखते हैं भाई टाइम मिलेगा कब का निकलने के लिए। जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे निकलने के लिए, क्योंकि अभी वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम भी लगे। तो कल मैंने ना अपने ड्रोन के प्रोपेलर ऑर्डर करे थे, और जिसकी डिलीवरी दिखा रहा है 12 दिन, और आज तारीख होगी 5, मे बी शायद हो जाए 17-18 तारीख तक, देखते हैं कब तक होएगा। बाकी तो प्रोपेलर है, और इसकी अभी जो ऑनलाइन मेरे को अभी यार बहुत सारी सामान लेना, बहुत सारा पता नहीं कितने का होगा सामान वो भी। सो ये थी समस्या बाइक के लेके। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो जितना ज़्यादा हो सकता है, वीडियो को शेयर करो। इतने के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।